शांति। आज 25 दिसंबर 2021 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। सर्वप्रथम आप सबको आज क्रिसमस के बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख काग विष्टा समान है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रिय से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं, इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं, बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं, मैं अपने परमधाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहां आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। शिव बाबा कहते, मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहां सन्मुख तुम मुझे मात पिता कहते हो, बल आगे भी तुम पुकारते थे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूं। गृहस्थी भी दो चार बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। माया क्या करती है? मात पिता से मुंह हमारा फेर लेती है, अर्थात बदला देती है। बाप है ऊंचे ते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है, उस तरफ है माया का सुख, यहां तो वह सुख नहीं है। तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहां तुमको है गुप्त सुख, जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहां के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे। बाबा कहे, यहां के सुख में अगर बुद्धि गई तो नेचुरल है वो बुद्धि को खींचता रहेगा, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है, गाते भी है, यह सुख काग विष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो, सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम मात पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको मात पिता कहा जाता है। गाते तो है, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो
बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा, ब्रह्मा माँ के द्वारा अर्थात प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजा पिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, इनको कहे या ब्रह्मा को कहे, त्वमेव माताश्च पिता ये किसको कहे, बाबा कहे इनको कहे, शिव बाबा को कहे या ब्रह्मा को कहे। गाते तो है, हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंछते भी है क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है, शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं, तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी भी हो यानी पत्नी भी हो, बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो ये माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं, तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं। दुनिया में मनुष्य को देखो, कोई किसका लॉकेट पहनता है, कोई किसका लॉकेट पहनते हैं। यह तो बाप है, बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है, क्या फरमान दिया बाबा ने, मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राज योग सिखलाता हूं। इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं, प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है, ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। सुना बाबा की बात, बाबा कहे अगर दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान वरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं, तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशुक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवान वाच है, माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्म समझो। ये कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण, कि देह सहित सर्व संबंध को छोड़ अपने को आत्म समझो। बाबा कहे ये कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण, किसको याद करना है। श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके, हाँ कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीखकर औरों को सिखाते हैं। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। यह कितनी गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, बाबा कहे मुख्य यही बात उठाओ कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय ये तीन धर्म स्थापन करते हैं, पहले डिटिज्म,
फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है, सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला, ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। शिव बाबा की महिमा के आधार पर शिव बाबा का परिचय स्पष्ट कर सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते। कितना बाबा मुरली का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ऊंच जा सकते हैं, सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणिया है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई, कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेंगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो पड़ते हैं। कहा जा नहीं सकती ना, बाबा कहे कहा जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच, कितने साधारण तन में आया हूं। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूं। यह तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। ब्रह्मा बाबा इतने बुजुर्ग थे, फिर भी बाबा कहे बाबा किसी से सेवा नहीं लेता था। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे सर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे सर राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहां सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराज कुमार। बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं, राधे कृष्ण ही इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं। सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहां लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। यह बातें बड़ी गुप्त है, यह है चिटचैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद के बाप की औलाद है। हमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं। सभी पुरुषार्थी है। इनके रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना, किसकी, ब्रह्मा बाबा की। ये ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है, यही राइट है। कुछ भी होता है इस ड्रामा में समझा जाता है, यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना,
तुमको तो मन मना भाव होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं, ड्रामा में जो नूंद होगी वो होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वो होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रिय से कोई उल्टा काम नहीं करना है, ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है, कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है, कितने अलग अलग पद है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं, कोई तो एकदम बदबू वाले भी है, कई बच्चे कमाल करने वाले भी है ना। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं, कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, शौकर सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया, टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सदगति दाता वह है, जिसकी सब साधना करते हैं साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते, समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए। जो समझाने वाला है या जो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करते हैं, तो बाबा कहे उनको पहले थोड़ा कुछ समझाओ, ताकि वो भी अच्छा समझे हुए हो। जो कह सके कि ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है, यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है, उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे, विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूं, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता। शिव बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूं, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए, हम बाबा से कम थोड़ी जाएंगे। ये मेहनत होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम भी बाबा के समान पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनके तरफ जरा भी आकर्षित ना हो, स्वदेशी बनो। अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। क्या परम धाम के निवासी है या साकार में अगर है, ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन को अपना स्वदेश समझना है। आज का स्लोगन है बाबा का, झमेले में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, subscribe us on youtube.com/